हेलो एवरीवन, आज हम भक्ति रस के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो इसमें हमारा पहला उदाहरण है, सुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होने हो सो हुई। यहाँ पर आंसुओं से सींच सींच करके मीरा जी ने प्रेम की बेल बोई है, यह भाव इसमें बताया गया है, यानी कि मीरा की भक्ति का इसमें भाव है। यहाँ इसमें जब किसी भी भक्त का या भगवान का वर्णन किसी दोहे या पद में होता है तो उसे हम भक्ति रस की भावना कहते हैं। यहाँ पर भक्त कौन है? मीरा जो है वो भक्त हैं, तो मीरा भक्त हैं, इसीलिए इस पद में कौन सा रस है? इस सारे में ये रस जो है यहाँ पर भक्ति का रस है। या तो भगवान हो या भक्त हो, दोनों में से एक कोई भी, या कोई ऐसी भावना व्यक्त की गई हो जिसमें भक्त की भक्ति समझ में आ रही हो जिस भाव में, तो वहाँ पर भक्ति रस होता है। फिर इसका दूसरा उदाहरण जो है, उलट नाम जपत जग जाना, बल मी की भय ब्रह्म समाना। तो यहाँ पर भक्त कौन है? वाल्मीक जो हैं वो ब्रह्म के समान बन गए हैं, तो भक्त हैं वाल्मीकि ऋषि जो हैं भक्त हैं। यही पहचान होती है किसी भी पद में कौन सा रस है, या तो भक्ति रस जो है वहाँ पर भक्त की या ईश्वर की जो है शब्द का प्रयोग किया गया हो वहाँ पर भक्ति रस विद्यमान होता है। और फिर उसके बाद जो है उदाहरण आता है, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। यहाँ पर भी राम की भक्ति है और कौन कर रहे हैं? तुलसीदास जी कर रहे हैं। फिर एक और उदाहरण है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। यहाँ पर भी ईश्वर का नाम लिया गया है अनेक शब्द अलग अलग शब्दों में, तो यहाँ पर राम जो है सीता हैं, यहाँ इनकी भक्ति की बात की गई है, तो यहाँ पर भी भक्ति रस है। इन चारों जो आपको उदाहरण बताए हैं इन सभी में रस की उत्पत्ति हो रही है, यानी भक्ति रस जो है यहाँ पर इस भाव का संचार हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।